हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इतिहास टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी जो आपके किसान आंदोलन थे उनके बारे में। आज बात करेंगे धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों के बारे में, जो आपके धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में। याद रखना, आपके जो भी लेक्चर होंगे इससे संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो सभी एक ही जगह डले रहेंगे सामान्य ज्ञान के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलनों के बारे में। ये आपके संगठन का नाम है, ये संस्थापक हैं, इसके वर्ष कब हुआ, ये वर्ष है, सन है, और ये स्थान है जहाँ हुआ है। तो सबसे पहले है आपका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसके संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना हुई 1815 में कलकत्ता में। याद रखना, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। जैसे पूछ लेगा ब्रह्मा समाज, इसकी स्थापना किसने की, संस्थापक कौन है, तो आपको बता देना है राजा राम मोहन राय। कब, 1828 में, कहाँ हुई थी, कलकत्ता। इसी तरह पूछे अगर कि धर्म सभा, तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपको बता देना है राधा कांत देव। इसकी स्थापना कब हुई, 1829 में, कहाँ, कलकत्ता में। इसी प्रकार तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839 में कलकत्ता में। परमहंस मंडली, संस्थापक थे इसके गोपाल हरि देशमुख, 1840 ईस्वी बम्बई में। रहनुमाई माजदायन, माजदायन सभा, इसके जो संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली। कब हुई इसकी स्थापना, 1851 में बम्बई में। ठीक, राधा स्वामी सत्संग, इसके संस्थापक थे तुलसीराम शिवदयाल, 1861 में आगरा में। पूछे अगर कि भारतीय ब्रह्मा समाज, ये भी कई बार पूछ लेता है, भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की, 1866 में कलकत्ता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं एम जी रनाडे, 1867 में बम्बई में। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्य समाज, इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इसकी स्थापना हुई 1875 बम्बई में। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसके संस्थापक में शामिल हैं मैडम एच पी बिलावत्सकी और कर्नल एच एस अलकॉट, इसकी स्थापना हुई 1875 में न्यूयॉर्क में। याद रखना, न्यूयॉर्क में। फिर है आपका साधारण ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक थे आपके आनंद मोहन बोस। कब हुई इसकी स्थापना, 1878 में, कहाँ हुई, कलकत्ता में। फिर आपका दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसके संस्थापक थे जी जी आगरकर। कब हुई इसकी स्थापना, 1884 में पूना में। फिर आपका इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके संस्थापक हैं एम जी रनाडे, इसकी स्थापना कब हुई, 1887 में, कहाँ, बम्बई में। फिर है आपका देव समाज, देव समाज, इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री,
इसकी स्थापना हुई 1887 में, कहाँ हुई? लाहौर में। रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक हैं आपके स्वामी विवेकानंद। कब हुई इसकी स्थापना? 1897, कहाँ हुई? बेलूर में। फिर आगे आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना हुई 1905 में, बम्बई में। पूना सेवा सदन के संस्थापक थे श्रीमती रामाबाई रनाडे। 1909 में स्थापना हुई पूना में, ठीक है। सोशल सर्विस लीग, इसके संस्थापक थे एन एम जोशी। इसकी स्थापना हुई 1911 में, बम्बई में। विश्व भारती, इसके संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर। इसकी स्थापना हुई 1912 में, कलकत्ता में। सेवा समिति, सेवा समिति के संस्थापक थे एच एन कुंजरू। इसकी स्थापना हुई 1914 में, इलाहाबाद में। कहाँ हुई? इलाहाबाद में। फिर आपका सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, इसके संस्थापक हैं श्री राम वाजपेयी। इसकी स्थापना हुई 1914 में, बम्बई में। फिर है हिंदू सभा, हिंदू सभा, हिंदू सभा के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। इसकी स्थापना हुई 1951 में, हरिद्वार में। वीमेंस इंडियंस इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक थी लेडी सदाशिव अय्यर। कब हुई? 1917 में। कहाँ हुई? मद्रास में। अब बात करते हैं हम लोग जो मुस्लिम धार्मिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उनके बारे में, ठीक है। ये आपके आंदोलन है, ये वर्ष हैं, ये स्थान है और इसके संस्थापक हैं। फैराजी आंदोलन, फैराजी आंदोलन 1838 में करीतपुर बंगाल में हुआ ये। इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्ला एवं दादू मियाँ। फिर आपकी तय यूनी आंदोलन, ये आपका 1839 में ढाका में हुआ है। इसके संस्थापक थे करामाती अली और जौनपुर। फिर आपका दार उल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दार उल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, याद रखना 1866 में हुआ है देवबंद में। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नो तनवी एवं राशिद अहमद गंगोही। फिर आपका अलीगढ़ आंदोलन, ये आपका 1875 में हुआ अलीगढ़ में। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। फिर अहमदिया आंदोलन 1889 से 90, ये हुआ था फरीदकोट में। इसके संस्थापक थे आपके कादिया के मिर्जा गुलाम अहमद। फिर है आपका नदवा ताल आंदोलन, नदवाह उल उलेमा भी कहा जाता है इसे। ये हुआ आपका 1894 से 1894 से 95 के बीच लखनऊ में हुआ है। इसके संस्थापक थे मौलाना शिवली नुमामनी, ठीक है। बात करते हैं कुछ निम्न जातीय आंदोलन एवं संगठनों के बारे में। ये आपके आंदोलन हो गए, ये वर्ष हो गया, उससे संबंधित ये स्थान है और इसके संस्थापक हैं। तो सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना हुई या ये हुआ है 1873 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे। सत्य शोधक समाज 1873 में हुआ महाराष्ट्र में, ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे। फिर है आपका अरबिपुरम आंदोलन 1888 में, अरबिपुरम केरल में हुआ था। इसके संस्थापक थे श्री नारायण गुरु, कौन थे? श्री नारायण गुरु। फिर है आपका श्री नारायण धर्म, श्री
नारायण धर्म परिपालन एवं, ये हुआ आपका 1902 में, केरल में हुआ। इसके जो संस्थापक थे वो थे श्री नारायण, डॉक्टर पल्पू एवं कुमारन आसन। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कैलाश मिशन सोसाइटी, ये हुआ 1906 में, कहाँ हुआ, बम्बई में। इसके संस्थापक थे बी आर शिंदे। कौन थे? बी आर शिंदे। बहुजन समाज 1910 में हुआ है, सतारा महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। फिर आपका जस्टिस पार्टी 1915-16 में, ये मद्रास से संबंधित है। इसके जो संस्थापक थे सी एन मोदालियार, टी एम नायर एवं पी त्यागराज चिट्टी। फिर आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बम्बई में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे आपको याद रखना है, जान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद तो सबको रखना है, लेकिन थोड़ा जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उन्हें थोड़ा फोकस देकर पढ़ लिया करिए, ठीक। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बम्बई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 मद्रास में, ई वी रामा स्वामी नायकर पेरियार इसके संस्थापक थे। हरिजन सेवक संघ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है। हरिजन सेवक संघ 1932 में, ये हुआ आपका पूना में। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। फिर आपके कुछ निम्न जातीय संगठन, तो नडार महाजन संगम 1910 में, मलयाली मेमोरियल 1891, लिंगायत एजुकेशन फंड एसोसिएशन 1905, नायर सेवा समाज 1914, जाति निर्धारणी सभा 1897, बुक्कालिक सभा 1906, महिष्य समिति 1901, सत्यशोधक समिति 1873, ठीक है। और कुछ जो आपके प्रमुख आंदोलन है इन्हें भी देख लेते हैं। एक इजहावा आंदोलन, ये आपका केरल से संबंधित है। पल्ली आंदोलन, ये आपका तमिलनाडु से संबंधित। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु। महार आंदोलन महाराष्ट्र। नामसूद आंदोलन बंगाल। और नडार आंदोलन तमिलनाडु। नायर आंदोलन तमिलनाडु। सत्यशोधक आंदोलन महाराष्ट्र। महिष्य आंदोलन बंगाल। तो ये थे आपके प्रमुख धार्मिक एवं समाज सुधारक आंदोलन। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल एवं वायसराय,